वस्तु की जो दूरी है क्या है? स्थिर है। वस्तु की जो दूरी है क्या है? स्थिर है। यानी किसी वस्तु के स्थिर होने का जो है ग्राफ है समय के साथ, तो ये भी क्या है? सही है। इसको है आप नोट करिए, नोट करिए। और जैसे एक और देख लीजिए, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं भाई। जैसे देखिए, ये विस्थापन है, विस्थापन है क्या? समय है, विस्थापन समय। लेकिन यहाँ जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है हमको, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है यानी सरल रेखा मिल रही है। सरल रेखा मिल रही है इसका मतलब विस्थापन और समय का जो रेशियो होगा कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो यानी विस्थापन और समय का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। यानी कहने का सेंस यहाँ पर, एक समान वेग से जो है कोई पार्टिकल मूव कर रहा, गति कर रहा है और ऊपर तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। कहने के सेंस यहाँ पर, एक समान वेग से जो है कोई पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो है ये भी ग्राफ क्या होगा? सही होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी विस्थापन और समय का ग्राफ इस तरह दे दे और स्ट्रेट लाइन यहाँ शो करे, तो आप क्या हम दिखाएंगे कि कोई भी पार्टिकल जो है समान वेग से आगे बढ़ रहा है, और ये ग्राफ क्या है? सही है। किसी कोई डाउट नहीं है आप ना? अभी तक नोट कर लिए हैं, तो आइए जो है हम आइए एक और जो है एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये जो है विस्थापन है, विस्थापन है और क्या है? समय है। ये क्या है? विस्थापन है और क्या है? समय है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर जो है ग्राफ इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से ग्राफ आप प्राप्त हो रहा है। ये क्या है? ये जो ग्राफ मिल रहा है क्या है? पैराबोलिक है। यानी पैराबोलिक मतलब परवलय के आकार का है। ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है परवलय पथ पर प्राप्त हो रहा है, पैराबोलिक पथ पर प्राप्त हो रहा है। तो पैराबोलिक पथ पर अगर प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वेग स्थिर नहीं है, बल्कि वेग यहाँ पर बढ़ रहा है। पैराबोलिक जब पथ प्राप्त होगा ग्राफ, तो वेग यहाँ पर क्या होगा? बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब, ये जो विस्थापन और समय का जो रेशियो होगा, ये क्या होगा? बढ़ता, यहाँ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी विस्थापन और समय अगर स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती, तब विस्थापन और समय का जो रेशियो प्राप्त होगा कांस्टेंट प्राप्त होता, नियत प्राप्त होता। लेकिन विस्थापन और समय का जो रेशियो होगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं, पैराबोलिक पथ है, इसलिए जो है यहाँ पर विस्थापन और समय का जो रेशियो क्या होगा? बढ़ते हुए हमको प्राप्त होगा। यानी विस्थापन और समय का जो रेशियो होता क्या होता है? वेग होता है। यानी कहने मतलब, यहाँ बढ़ते हुए वेग से जो है कोई पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान समझिए, बढ़ते हुए वेग से जो है कोई पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जो है ये भी ग्राफ क्या है? सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो कहने के सेंस यहाँ पर, अभी हम लोग क्या पढ़ें? अभी हम लोग जो है लीनियर मोशन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ें? डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने समझा और डिस्टेंस को समझा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो है प्रॉपर्टी को हम लोगों ने समझा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो है हम लोगों ने देखा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है। कोई पार्टिकल जो है किसी जो है पाथ पर मूव अगर कर रही है, गति कर रही है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और कैसे जो है डिस्टेंस को निकालेंगे। और डिस्प्लेसमेंट और जो है डिस्टेंस के जो ग्राफ होते हैं उसको हम लोगों ने देखा।
तो ये जितने भी ग्राफ हम लोग डिस्कस किए हैं सभी ग्राफ जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग जो है घर पर इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से ग्राफ आप पूछे जाते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो एक नंबर जो है आपका चला जाएगा। तो जितने भी ग्राफ मैं बताया हूँ अभी, मैं जो है जो भी ग्राफ मैं बताया 5, 6, 7, 8 जो है, आप जो है और भी ग्राफ इस तरह से बना करके आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं नहीं नोट करिए 10 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए, इसको बना लीजिए कॉपी पर। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमसे जो है जुड़िए, हमारे चैनल जो है आप सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसका बेनिफिट जो है और बच्चे ले सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।